अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे जी। और आज आपको अपनी साइट पे लेके आए दोबारा, जहाँ पे 10 मरला का प्रोजेक्ट चल रहा है और फाउंडेशन की 3 लेयर्स कंप्लीट होने के बाद अब ब्रिक वर्क स्टार्ट कर दिया गया फाउंडेशन में। व्यूअर्स, हम आपके लिए स्पेशल ये वीडियोस बनाते हैं ताकि जो एंड क्लाइंट है उसको अवेयरनेस आ सके। और कुछ बारीकियाँ होती हैं, कुछ साइट पे जो ऐसे ट्रिक्स होते हैं जिसको कभी जो टिपिकल ठेकेदार हैं वो उसको फॉलो नहीं करते, और उससे आपकी फाउंडेशन में या आपके घर में फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए आपको इन वीडियोस के अंदर गाइड करते हैं, हम कोशिश करते हैं जो आपको एजुकेट कर सके, अवेयरनेस आ सके हमारे एंड क्लाइंट्स को। तो आज आपको दिखाते हैं जी हमारी फाउंडेशन में काम चल रहा है और किस तरह काम कर रहे हैं और क्या क्या चल रहा है। आइएगा व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन का काम चल रहा है। और जैसे कि पहले भी आपको वीडियोस में हम बताते रहे हैं कि ये जितने भी आपको स्टेप्स नज़र आ रहे हैं उसको हम खसके कहते हैं छोड़े हों, और क्योंकि सबसे नीचे जो होता है वो सबसे ज़्यादा वाइड या चौड़ा खसका लगता है, उससे ऊपर उससे छोटा, उससे ऊपर उससे छोटा। अब हम इसके ऊपर जो आखिरी लग गया है वो हम नो की दीवार पे आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। इसको ऊपर से ग्राउट कर दिया गया ताकि हम पूरी अपनी बिल्डिंग को पहले एक हाइट पे ले आएं। ये जो आप देख सकते हैं कि साइड पे काम चल रहा है, और जिस तरह जो ड्राइंग हमें खेती है उसके मुताबिक इसको लगाया जा रहा है। व्यूअर्स, ये फाउंडेशन के अंदर आप देख सकते हैं काम चल रहा है, किस तरह फाउंडेशन में ये बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि किस तरह इसके अंदर मर्ज कर रहे हैं जो खसके छोड़े हुए थे। मैं आपको वो भी उधर जाके दिखाता हूँ। दूसरा ये सारा किस तरह इनको कैसे कैसे इसको लेके चलते हैं। बिल्कुल देखें, ये जो हमने सूतर बांधा हुआ है उसके साथ ईंटें रख रहे हैं और फाउंडेशन के अंदर काम चल रहा है। जिस तरह ये स्टेप छूट रहा है, इसी तरह जब इसके ऊपर आएंगे तो नेक्स्ट स्टेप छूटेगा, जिसको हम पहले भी बताते हैं खसके हैं। लोड बेरिंग वॉल्स होते हैं, लोड बेरिंग वॉल्स को एहतियात से ऊपर लेके आना होता है कि आपकी 9 इंचज़ जो है वो इनके पूरे के सेंटर में आए, ताकि जो लोड है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। ये ख्वाजा साहब लेवल चेक कर रहे हैं, सारी इनके साथ मैच कर रहे हैं। ये सारी जो हमारी बनती जा रही है नीचे से फाउंडेशन, उसकी लेवलिंग हो रही है। ये लेवल चेक हो रहा है, लेवल टॉप लेवल। चलो ओके, फाउंडेशन में लेवलिंग चेक की जा रही है जी। आप देख सकते हैं कि लेवलिंग चेक करने के बाद हर लाइन को बड़ा प्रॉपरली मेजर करके ऊपर लेके आया जा रहा है, ताकि कहीं से भी हमारी बिल्डिंग में कभी भी कोई इशू ना आए। फाउंडेशन में हमें टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है जी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि किस तरह स्टेप्स खसके छोड़े हुए हैं दोनों साइडों पे। फाउंडेशन में काम चल रहा है जी। कासा स्टेट एंड डेवलपर्स अपनी मैार को कभी भी डाउन नहीं करता, और आप देख सकते हैं ब्रिक क्वालिटी, वर्क क्वालिटी, हर चीज़ को साथ साथ मेजर करके चल रहे हैं। ये व्यूअर्स, हमारा फाउंडेशन में काम चल रहा है। कासा स्टेट एंड डेवलपर्स अपनी कमिटमेंट के मुताबिक वर्क क्वालिटी और मटेरियल क्वालिटी को बिल्कुल मद्देनज़र रखता है, और स्पेशली इसको फॉलो करते हैं जो हमारी कमिटमेंट क्लाइंट्स हो। और ग्रे स्ट्रक्चर में और इस फाउंडेशन के मामलात में आप लोगों को कभी भी कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। आपकी टेक्निकल लेबर होनी चाहिए, प्रॉपरली हर एरिया को देखना चाहिए, लेवलिंग करनी चाहिए, ताकि कभी भी इशू ना आए आपको।